नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज सच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधा मिलाते हैं एक मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि चित्रकूट में कस्टडी में एक और हत्या। मानिकपुर थाना पुलिस पर लगा युवक की हत्या का आरोप। रेलवे ट्रैक पर नग्न अवस्था में शव मिलने से मचा हड़कंप। युवक के पूरे शरीर में मिले चोट के निशान। परिजनों ने बताया कल शाम 6 बजे मानिकपुर रेलवे स्टेशन से युवक को मानिकपुर थाना पुलिस उठाकर ले गई और पीट पीट कर हत्या करने के बाद रात को होमगार्ड के जरिए किसी टेम्पो के माध्यम से उसे रेलवे ट्रैक पर फेंकवा दिया गया। परिजनों ने मानिकपुर पुलिस पर हत्या का मुकदमा लिखे जाने की मांग को लेकर कस्बे में चक्का जाम किया है। बताया जा रहा है मुहर्रम के जुलूस में युवक शामिल था, जहां शराब के नशे में उत्पाद मचाने को लेकर पुलिस थाने उठाकर लाई थी। सुबह शव मिलने पर चित्रकूट पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त हेतु युवक की मृत फोटो सोशल मीडिया में प्रेषित किया गया, जबकि युवक रात को पुलिस की कस्टडी में था। मृतक युवक की सैंडल अब तक थाने में पड़ी है, उसकी वीडियो भी वायरल है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा मानिकपुर थाना प्रभारी पर क्या कार्यवाही की जाती है। पूरा मामला मानिकपुर के आर्य नगर कस्बे का है। देखिए हमारे सहयोगी दैनिक न्यूज सच चैनल से शिवसागर निषाद की खास रिपोर्ट। पैदा हो रही थी तो स्थानीय पुलिस उसे थाने ले आई। सायंकाल 7:03 पे थाने के सीसीटीवी फुटेज में वो ई रिक्शा से उतार के उसे ले आ रहे हैं। 7:09 पर फिर वो पूरी स्पीड से दौड़ता हुआ थाने से भाग के निकल गया। लेकिन थाने की लापरवाही यह है कि अगर वो ले आए थे और भाग गया था तो पता करके कि किस घर का लड़का है, क्या है, उसके घर को सूचना देनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं। रात में 10:30 के आसपास रेलवे स्टेशन से एक मेमो आता है कि एक आदमी ट्रेन के आगे कट गया है, शव पड़ा हुआ है। पुलिस जाती है तो उसकी पहचान नहीं हो सकती थी तो उसके शव को मोर्चरी भेज दिया गया और फोटो वीडियो उसका पुलिस द्वारा ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि इस परिवार का ही सदस्य। जब उनके परिजनों को पता चली वाए सीसीटीवी देख करके वो मुतमईन हो गए थे, लेकिन तमाम लोगों ने उनको तरह तरह की राय दी और अंततः उनका आरोप है कि पुलिस ने हत्या करके शव डाल दिया है ट्रैक में। और इस बात को लेकर के फिर उन्होंने जाम लगाया। अब उनकी तहरीर पर अज्ञात जो पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ उन्होंने लिया है अभियोग दर्ज हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि रेलवे से रिकॉर्ड लिया गया तो रेलवे के रिकॉर्ड में साफ ड्राइवर ने उन्होंने लिखवाया है कि एक आदमी बार बार हॉर्न देने के बाद भी ट्रैक से नहीं हट रहा था और अंततः वो रन ओवर हो गया। ये सूचना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग की सूचना है। विवेचना में इन सारे तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। अगर किसी का दोष है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा और अगर निर्दोष लोग हैं तो उनके खिलाफ कोई इस तरह का दंडात्मक कार्रवाई। तो जिस तरीके से थाने स्तर पर लापरवाही बरती गई है तो क्या उसमें कोई कार्रवाई अभी तक हुई? थाने की लापरवाही मात्र मैं अभी कहूं, अभी तक प्रथम दृष्टिया यह है कि थाने में वो आया है और 9 मिनट बाद अगर वो वहां से भाग के जा रहा है तो जिम्मेदारी बनती है थाने की कि वो पता करके, अगर जानते थे कि किस परिवार का बच्चा है तो वहां जाना चाहिए था, पता करके बताना चाहिए था क्योंकि कस्बे का ही है वो, तो वहां बताना चाहिए था कि आपका बेटा परिवार का सदस्य ऐसी हरकत कर रहा था, थाने ले गए तो वहां से भी भाग गए। उस संदर्भ में भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।